बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। जमात सोएम के सबकी खाके के साथ, लेकिन आज हम उर्दू नहीं पढ़ रहे, आज हम पढ़ रहे हैं इस्लामियात। जी, हम इस्लामियात क्यों पढ़ते हैं? क्या इसलिए पढ़ते हैं कि हम मुसलमान हैं? जी हाँ, ये वजह भी है कि हम मुसलमान हैं, इसलिए इस्लामियात पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपको और मज़ीद बताती हूँ। बेटा, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान वो ममलिकत खुदादाद है जो इस्लाम के नाम पर हासिल हुआ, लिहाजा हमारा जो आईन है, हमारा जो दस्तूर है पाकिस्तान का, उसके हिसाब से भी, उसके लिहाज से भी पाकिस्तान के हर शहरी को, हर मुस्लिम शहरी को इस्लामियात पढ़ना लाजमी है। लिहाजा हम इस्लामियात की तदरीस इसी वजह से करते हैं ताकि हमें पता चले, हम बेहतर तौर पे समझ सकें कुरान के अहकामात को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसवा हुस्ना हमें दिया है उसको हम अच्छी तरह से समझ सकें और अपनी ज़िंदगी इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारें और हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा कहलाए। तो आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है झूठ से इज्तिनाब। जी, झूठ से इज्तिनाब। ये आपकी इस्लामियात की किताब, ठीक है बेटा, और इस्लामियात की किताब का सफ़ा नंबर 71 पे हम जाएंगे तो हमारा ये सबक है इखलाक व आदाब के कॉलम में, बाबे चहारुम में, और इसका उन्वान है झूठ से इज्तिनाब। इज्तिनाब का क्या मतलब है? सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है। इज्तिनाब का मतलब है किसी चीज़ से बचना, परहेज़ करना, किसी चीज़ से अपने आप को बचाना, वो चीज़ इख्तियार ना करना। तो हमें यहाँ किस चीज़ से इज्तिनाब करना चाहिए बेटा? झूठ से। तो आइए चलते हैं हम अपने सबा। हैसियत मुसलमान, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ना सिर्फ झूठ से बचें बल्कि हम सच्चाई को इख्तियार करें, क्योंकि हमारे मज़हब इस्लाम में झूठ बोलने से मना किया गया है और झूठ को बुराइयों की जड़ करार दिया गया, यानी हर ख़राबी जो शुरू होती है वो झूठ बोलने से शुरू होती है। फिर इंसान जब झूठ बोलता है तो अपने एक झूठ को छुपाने के लिए बेटा वो 10 झूठ बोलता है ना। तो हमें झूठ इख्तियार ही नहीं करना, झूठ बोलना ही नहीं है, हमें सच ही बोलना है, क्योंकि झूठ के मुकाबले जो लफ्ज़ आता है वो है सच का लफ्ज़, सच्चाई का लफ्ज़। तो हम अपनी ज़िंदगी को, जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए अहकाम उतारे हैं और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हम तक पहुंचाया है, उसकी रौ से हमें झूठ से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हर बुराई की इंतहा झूठ की इब्तिदा से ही होती है। अब आइए, मुनाफिक की निशानी करार दिया गया है। मुनाफिक किसको कहते हैं? कि जो बज़ाहिर ऊपर से तो मुसलमान होता है लेकिन अंदर से वो इस्लाम को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, ऐसे लोगों को मुनाफिकत करना कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं, यानी वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की 3 निशानियां बताई हैं बेटा, जिसमें एक निशानी ये है कि वो जब बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे, हमेशा सच बोलते थे, यानी जब आप इस्लाम फैला रहे थे और आप जब लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते थे, अल्लाह पे ईमान लाने के लिए कहते थे, तो वो लोग जो ईमान नहीं भी लाना चाहते थे लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा कहते थे, और जो दीन इतना फैला, इतना फ़रोग हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्लाम की रोशनी हर जगह है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉलो फेल है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ हमें ये कहते थे, ना सिर्फ हमें ये फरमाते थे कि आप सच बोलो, बल्कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सच बोलने में लगाई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसवाए हुस्ना में जो बात भी हमें, हम तक पहुँचाई, वो इख्तियार कर ली। आपकी पूरी ज़िंदगी कुरान पाक की अमली तफसीर थी, यानी हमें तालीम देते थे अच्छे बनो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे थे, कहते थे सच बोलो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक थे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें झूठ से इज्तिनाब करना चाहिए। फिर मोमिन का ताल्लुक कहा जाता है कि झूठ से हो ही नहीं सकता। मोमिन सिर्फ़ उसको कहा जाता है जो सच्चा होता है,
यानी कहते हैं ना, एक सफ़े के दो रुख, अगर एक रुख ख़राब होगा तो दूसरा रुख फिर किसी काम के काबिल नहीं रहेगा। या अगर एक सिक्का हम बाज़ार में लेके जाएं और वो सिक्का एक तरफ से खोटा हो और दूसरी तरफ से सही हो तो दुकानदार उसको नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सिक्कों के दोनों रुख का, सिक्के के दोनों रुख का सही होना दुरुस्त है। इसी तरह मोमिन बनने के लिए ये लाजमी है कि हम झूठ ना बोलें। अगर हम झूठ बोलते हैं तो फिर हमारे मोमिन होने में शक का अंसर शामिल हो जाता है। अब कहते हैं, आपके सबक में बताते हैं कि झूठ बोलने वाले के लिए जहन्नुम का रास्ता है। जहन्नुम किसको कहते हैं बेटा? दोजख को। दोजख क्या है? हमारा अकीदा आखिरत है कि जब हम और आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो जब यौम आखिर आएगा, आखिरत का दिन आएगा, जब सबके हिसाब किताब होंगे ना बेटा क़यामत के बाद, तो फिर इंसानों को जिनके नेक अमाल होंगे उनको जन्नत में भेजा जाएगा और जिनके ख़राब अमाल होंगे उनको जहन्नुम में भेजा जाएगा। अब यहाँ कहा जाता है कि जो सच्चा होगा, देखिए जो सच बोलता है वो किसी से डरता नहीं, वो कोई बुराई इख्तियार करता नहीं, वो कामिल मोमिन की निशानी होता है। तो जो सच्चा नहीं होगा, जो झूठ बोलता होगा, तो यकीनन उसमें 10 तरह की, हज़ारों किस्म की बुराइयां भी आ जाएंगी। वो गुनह का इर्तकाब भी करेगा, गुनाह भी करेगा वो, है ना। तो फिर ऐसे लोगों का रास्ता क्या है? जहन्नुम है, दोजख की आग है। तो हमें और आपको बचना चाहिए, हमें और आपको जहन्नुम से बचने के लिए भी झूठ से इज्तनाब करना चाहिए। फिर एतबार। अब ये तो सब बातें थी इस्लामी और दीनी लिहाज से कि हमें क्यों सच बोलना है, हमें झूठ से क्यों बचना है। लेकिन जब हम इस माशरे में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, एक दूसरे से हमारा ताल्लुक होता है, अगर हम वहाँ पर भी झूठ बोलेंगे तो लोग हम पर एतमाद नहीं करेंगे, हम नाकाबिले एतबार शख्सियत बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक कहानी सुनाती हूँ कि एक लड़का था एक गांव में, और वो क्या करता था, उसकी आदत थी मजाक में लोगों से झूठ बोलता था। ठीक है, हमारे मज़हब इस्लाम में मजाक में भी झूठ बोलने से मना फरमाया गया है। ख्वाह आपका मकसद ये हो कि लोग हंसेंगे, लोग खुश होंगे, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं ना तो आपको उसका गुनाह मिलेगा। तो वो लड़का क्या करता था, वो पहाड़ी के करीब चला जाता और वहाँ से चढ़ के चीखता और लोगों को कहता शेर आया, शेर आया। लोग भागते, अपनी जान बचाते और अपने घरों में घुस जाते। फिर वो लड़का खूब हंसता तो लोगों को पता चलता ये तो झूठ बोल रहा है। इसी तरह उसने एक दफ़ा किया, दो दफ़ा किया, तीन दफ़ा किया, लोग अपने काम छोड़ते, अपनी जान बचाते और अपने घरों में बंद हो जाते। जब उसने कई बार इस अमल को दोहराया तो क्या हुआ, लोगों ने कहा ये तो झूठा शख्स, ये तो झूठ बोलता है, लिहाजा अब इसकी किसी बात का एतबार नहीं करेंगे। और फिर क्या हुआ कि वाकई जब एक दिन शेर आया और वो लड़का चीखा और चिल्लाया तो लोग इसकी मदद को नहीं गए। लोगों ने क्या किया, लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसकी तरफ देखा ही नहीं, उसको बचाया ही नहीं, और लोगों ने अपने कामों में लगे रहे। शेर आया, शेर ने उस लड़के को चीर फाड़ के खा लिया, तो उस लड़के को झूठ बोलने का क्या हुआ, ये नुकसान हुआ। ये कहानी है, कहानी की सूरत आपको बातें समझाई जाती हैं कि ऐसा हो जाता है इंसान के साथ। तो आपको क्या करना है बेटा, झूठ से इज्तनाब करना है। अब आ जाइए हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आपको आयात कुरान पाक की और हदीस के ज़रिए बताती हूँ कि हमसे अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। आइए हम वो देखते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला जो फरमाते हैं उसका यहाँ पर तर्जुमा मैंने लिखा है आपके लिए। उनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज़्यादा, और जो झूठ वो बोलते हैं उसकी पादाश में उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यानी ये एक बीमारी कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं झूठ बोलना सेहतमंदी की निशानी नहीं है बल्कि ये एक बीमारी है। और अल्लाह ताला ने क्या किया, इनको गफलत में डाल दिया, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बार बार अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मान रहे, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके फरमान को नहीं मान रहे, तो तुम एक बीमारी में मुब्तला हो ना, इसका मतलब है। तो अल्लाह ताला ने उस बीमारी को क्या कर दिया, और ज़्यादा कर दिया, ताकि वो गफलत में पड़ जाएँ। और फिर उसके बाद जब वो इस गफलत में पड़ते हैं तो फिर उनके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब है। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको, हमें, हम सबको जहन्नुम की आग से बचाए बेटा।
हम सब के लिए मगफिरत का रास्ता कहीं ना कहीं से ज़रूर निकल कर आए और अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। तो अगर हम खुद नहीं चाहेंगे कि हमारे लिए आसानियाँ हों तो अल्लाह पाक भी क्यों मदद फरमाएंगे। अल्लाह पाक तो बहुत रहीम बहुत करीम है, बार बार हमें रोकते हैं, बार बार हमें टोकते हैं, जगह जगह हमें जो है कुरान में हमें ज़िंदगी गुजारने के बारे में हिदायत दी गई है, राह हिदायत है ना, लेकिन हम गफलत में पड़े हुए हैं, हम गाफिल लोग हैं। तो बेटा हमें कुरान पाक के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और झूठ से इज्तेनाब करने की ज़रूरत है। अब झूठ क्या है, ज़रूरी नहीं है झूठ हमने किसी बड़े लेवल पे बोला हो। हम क्या करते हैं, अभी आपकी अगर मैं बात करूँ, आप तालिबे इल्म हैं, आप छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं या आप अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं, है ना। तो आपको अपने आप को बचाने के लिए भी झूठ नहीं बोलना, क्यों? क्योंकि क्या होता है बेटा, वक्ती तकलीफ़ तो होती है सच बोलने में लेकिन आखिरत में हमें तकलीफ़ नहीं होगी। अब क्या होता है, कभी आपके पास किसी बच्चे का पेन आ जाता है, पेंसिल आ जाती है और आपको वो बच्चा कहता है कि तुमने मेरी चीज़ ले ली, आप डर जाते हैं, आप उसमें भी झूठ बोल देते हैं, नहीं नहीं ये तो मेरी है। तो बेटा इस तरह की डरना किसी से नहीं चाहिए और इस तरह के झूठ और बहाने नहीं करने चाहिए। देखें सच बोलने वाला कभी तकलीफ़ में नहीं आता, राहत में रहता है। सच बोलने वाला कभी डरता नहीं है क्योंकि वो सच्चा होता है। लिहाजा हमें सच को पकड़ना चाहिए। जब आप सच को पकड़ेंगे, हर मामले में सच बोलेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानी के रास्ते खोलेंगे, आसानी के रास्ते आपके लिए फरमा दिए जाएंगे। तो बेटा आपको इख्तियार करना है सच बोलना और झूठ से इज्तनाब करना। दूसरी बात ये कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सिचुएशन ऐसे हालात होते हैं, कभी हमें किसी बड़े की वजह से खामोश होना पड़ता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो फिर आप ये कोशिश करें, आपके हालात अगर ऐसे हों आप कुछ भी ना बोलें, फिर आप खामोशी इख्तियार करें। अगर आप कहीं सच नहीं बोल सकते, आपके किसी सच बोलने से किसी को कोई नुकसान पहुंच रहा होता है या आप सच बोलेंगे तो कोई चीज़ ऐसी हो जाएगी कि जिससे आप बचना चाह रहे हैं, तो फिर आप झूठ भी ना बोलें उस जगह पे। समझे मेरी बात, आप क्या करेंगे, आप उस वक्त खामोशी इख्तियार करेंगे, फिर आप कुछ भी ना बोलें। आप भले ही कह दें कि क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाह रहा, मैं इसलिए खामोश हूँ और मैं सच बताना नहीं चाह रहा, ठीक है, आपने अपना पार्ट अदा कर दिया, कम से कम आप झूठ बोलने के गुनाह से तो बच गए, ठीक है बेटा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखते हैं बेटा, सनन तिर्मिज़ी 1972 पे यह हदीस है, जब कोई झूठ बोलता है उसकी बदबू से फरिश्ते उससे मील भर दूर चले जाते हैं। अब देखें कैसी बात है ये, अब आप सोचे ज़रा, अल्लाह पाक ने हमारे दोनों कंधों पे दो फरिश्ते रखे हैं ना, और अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हमारे चारों तरफ रहते हैं, अल्लाह के करम के फरिश्ते हमारे चारों तरफ रहते हैं। जब इंसान नेकी के रास्ते पे होता है, सच के रास्ते पे होता है, तो अल्लाह ताला आपकी मदद के लिए मलाइका को भेजते हैं, है ना। लेकिन जब आप कहीं झूठ बोलते हैं ना, तो फिर वो ऐसी बदबू अल्लाह ताला आपके जिस्म से निकालते हैं कि आपको तो नहीं सुंघाई देती, वो इंसानों को तो नहीं सुंघाई देती, लेकिन फरिश्ते आपके उस ताफुन से, उस बदबू से आपसे दूर हो जाते हैं। बताइए आप सोचिए, तसव्वुर करें, आपकी क्लास में, आपकी जमात में या आपके घर में कोई एक बच्चा, एक साथी ऐसा हो जिसके पास से खूब बदबू आ रही हो, तो आप लोग क्या करें, आप लोग नाक पे हाथ रखेंगे, कपड़ा रखेंगे, आप दूर चले जाएंगे, कहेंगे क्या है, तुम जाओ नहा कर आओ, क्यों आ रही है तुम्हारे पास, घिन आएगी ना, तकलीफ़ होगी ना आपको। अब आप उस तकलीफ़ का भी ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए, जो फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, वो हमारी झूठ बोलने से, हमारे पास से जो बदबू आती है उससे हमसे मीलों कोसों दूर चले जाते हैं, है ना बेटा। तो आपको इस चीज़ पे भी गौर करने की ज़रूरत है। एक और हदीस है सही मुस्लिम की 6639 पे, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। देखिए असल ज़िंदगी तो वही होगी ना बेटा, जो हम और आप आखिरत के बाद गुजारेंगे। हमारा और आपका ईमान है कि जब हम सब मर जाएंगे तो अल्लाह पाक के हुक्म से दोबारा ज़िंदा होंगे, और उस वक्त हमारे अमाल का फ़ैसला होगा कि हम जन्नत के हकदार हैं या जहन्नुम के हकदार हैं, हम बहिश्त में जाएंगे या दोजख में जाएंगे। अब बिल्कुल ये इसी तरह की बात है कि जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, इम्तिहानात देते हैं और हमारा नतीजा निकलता है, हमारी और आपकी क्या ख्वाहिश होती है कि हमारा A1 ग्रेड आए, हम अव्वल पोजीशन लें, ऐसे ही होता है ना।
और अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें ना सिर्फ शर्मिंदगी का, तकलीफ़ का, दुख का, दर्द का सामना करना पड़ता है, नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो आखिरत में भी हमारा नतीजा निकलेगा। तो अच्छे नतीजे के लिए हमें क्या करना है बेटा? अच्छा काम करना है, अच्छा अमल इख्तियार करना है। वो अच्छा अमल, उसकी एक शिक, उसकी एक शक्ल, उसका एक जुज़ ये है कि हम झूठ से इज्तनाब करें और सच्चाई पर अमल पैरा रहें, क्योंकि सच्चाई हमें जन्नत तक ले जाती है। ठीक है बेटा, आज से अहद कीजिए कि अब आप सच बोलेंगे। देखिए, इंसान सब कुछ कर सकता है, अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अब अशरफुल मखलूक क्या है? तमाम मखलूकात से अफजल, फरिश्तों से भी अफजल है इंसान। आपको पता है ये बात, अशरफुल मखलूक है। तो जब हम अशरफ हैं, बड़े हैं, अजीम हैं, मुमताज़ हैं, हमें ये शर्फ हासिल है अल्लाह पाक की तरफ से, तो हम अपने आप को साबित क्यों ना करें, है ना? हम अपने नफ्स पे, अपनी ज़बान पे काबू क्यों ना रखें? हम अपने दिल को नेकी के रास्ते पे क्यों ना डालें? हम अपने जहन से अच्छी बात क्यों ना सोचें? तो ये हमें इख्तियार करनी चाहिए। जब आप सोच लेंगे, जब आप फैसला कर लेंगे, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब इंसान बुराई का इरादा करता है और अभी उसने बुराई नहीं की, तो उसे कोई गुनाह नहीं मिलता सोचने पर। लेकिन अगर वो बुराई करता है तो फिर उस पर गुनाह लाजिम होता है। लेकिन जब इंसान ये सोचता है कि अब मैं सच बोलूँगा, अब मैं अच्छे काम करूँगा, तो अल्लाह पाक उसके सोचने से ही, उस सोच के ज़रिए ही जो उसने एक अमल अच्छा करने की समझ और सोच लाया होता है, उसको नेकी देना शुरू कर देते हैं, उसका अज्र देना शुरू करते हैं। अब जब वो इस पर अमल करेगा तो वो अज्र व सवाब तो कई गुना मिलेगा। लेकिन आपने ये तय कर लिया ना, इरादा कर लिया, सोच लिया, तो अल्लाह पाक ने आपके लिए आसानी फराहम करनी शुरू कर दी। ये आसानी की शक्ल है कि आपको उसका अजर मिलना शुरू हो जाता है कि आपने अच्छी सोच रखी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से आप और हम ये वादा करते हैं एक दूसरे से, और इस चीज़ को इख्तियार करते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से समझा दूं। झूठ बुराइयों की जड़ है। झूठ के मुकाबिल लफ्ज़ आता है सच। मुनाफिक की तीन निशानियाँ हैं, जिसमें एक निशानी ये है कि वो झूठ बोलता है। मोमिन का ताल्लुक झूठ से नहीं हो सकता। जो मोमिन होगा वो सच्चा होगा। ठीक है, जहन्नुम का रास्ता झूठ बोलना है। एतबार इंसान खो देता है अपने अरीब करीब के लोगों से, अपने अजीज़ वकारिब से, अपने मुआशरे के, अपने माहौल के लोगों से। अगर वो हर वक्त झूठ बोलता है तो फिर लोग उसकी बात का एतबार नहीं करते। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको पढ़ के सुनाई, कुरान की सूरह बकरा की आयत मैंने आपको पढ़ के सुनाई, ये यहाँ लगे हुए हैं। आप जब भी चाहें अपना लेक्चर रिवाइंड करके इनको देख सकते हैं और दोबारा से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ये बात सही है कि सच बोलने में वक्ती तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा। आपने देखा है ना कि अगर आप बीमार होते हैं तो आपको इंजेक्शन लगता है, एक छोटी सी सुई की तकलीफ़ होती है, लेकिन जब वो दवाई जिस्म के अंदर जाती है तो आप सेहतियाब हो जाते हैं, है ना? तो बिल्कुल इसी तरह आप सच के इंजेक्शन लगाएं सब, और अपने आप को बुराइयों नाम की, झूठ नाम की बुराई से बचा लीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। इस मश्क के आपको सवालात करने हैं, तीन सवालात हैं, खाली जगह हैं, जो आपको PDF की सूरत में रवाना कर दी जाएगी। बेटा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमेशा सच बोलिए। अल्लाह हाफिज़।